नमस्ते दोस्तों, मैं रघुवीर यादव आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल वॉच टू लर्न एंड ग्रो में। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा दोस्तों कि हीरो कनेक्ट में स्क्रॉलर टेक्स्ट कैसे चेंज करते हैं। स्क्रॉलर टेक्स्ट यानी हीरो कनेक्ट की आईडी V20P20 जो भी होती है, तो उसके ऊपर एक टैक्स चलता है कि आईडी किसके नाम से ली है। तो क्या होता है, आपके पास आप आईडी लेते हैं किसी एम्प्लॉय के नाम, वो एम्प्लॉय आपके पास काम छोड़ के चला जाता है, और क्या होता है, नया एम्प्लॉय आता है पर नाम उसी पुराने एम्प्लॉय का चलता रहता है। तो उस एम्प्लॉय का नेम आप कैसे चेंज करेंगे, न्यू एम्प्लॉयज का नाम वहाँ पे कैसे जोड़ेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं अपनी हीरो कनेक्ट की आईडी को लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए, मेरी हीरो कनेक्ट की विंडो हो गई। अभी यहाँ पे जो स्क्रॉल चल रहा है, वेलकम बैक ABCDEGF टुडे चल रहा है। अब मेरे को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाम चेंज करना है, नया नाम ऐड करना है। तो मैं नए नाम को कैसे ऐड करूँगा, तो मेरे को क्या करना है, फर्स्ट लेवल व्यूआर पे क्लिक करना है, मास्टर में जाना है। मास्टर में जाने के बाद मेरे को एम्प्लॉय में जाना है, जहाँ पे मैंने अपने एम्प्लॉयज का नाम ऐड कर रखा है। एम्प्लॉयज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है कि आपकी कौन सी आईडी है। अगर सेल्स आईडी है, मैनेजर कस्टमर केयर आईडी है, तो आपको क्या करना है, मैनेजर कस्टमर केयर आईडी में जो पोजीशन सेलेक्ट करते हैं उसमें देखिएगा आपकी मैनेजर कस्टमर केयर आपका कौन है। तो मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे कि मेरा मैनेजर किसके नाम से आईडी बनी हुई है। तो मेरी ये देखिए यहाँ पे आ रही है ABCDE, लास्ट नेम GF, मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आईडी नेम है, यहाँ पे लिखा हुआ मैनेजर कस्टमर केयर, और एम्प्लॉय आईडी टाइप भी है। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को उसका जिस एम्प्लॉय का आपको नए पुराने एम्प्लॉय का नंबर वहाँ से हटा के आपको नए एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे डाल देना है। तो मैं अपना नाम यहाँ पे डाल रहा हूँ, लास्ट नेम डाल देता हूँ मैं अपना, मोबाइल नंबर भी मेरे को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर भी अपना चेंज कर दे रहा हूँ। मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल एस कर दूंगा। कंट्रोल एस करते ही क्या होगा, मेरा वहाँ पे यहाँ अब नाम जो है चेंज हो गया। अब जो पट्टी स्क्रॉलर टेक्स्ट चलेगा वो मेरे नाम से चलेगा। देखिए, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं अपनी आईडी को लॉग आउट कर रहा हूँ, मैं दोबारा से लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। लॉग आउट हो गई है, अब मैं लॉगिन करूंगा। मैंने यूजर आईडी डाली और पासवर्ड डाल रहा हूँ, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा नाम जो है यहाँ पे चेंज हो गया। अभी इससे पहले ABCDE आ रहा था, अब देखिए यहाँ पर वेलकम बैक राघवेंद्र यादव टूडे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके स्कॉलर टैक्स चेंज कर सकते हैं, और जो भी आपको नाम जोड़ना है वो ऐड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कुछ भी स्कॉलर टैक्स के बारे में पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।